हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2000 में कौन सा शेष पर है? जापान और सिंगापुर। भारत का स्थान 83वां। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? जल मेट्रो परियोजना वाला ऊंची। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा। डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, वे किस देश के हैं? अमेरिका। अंडर 19 बालिका एकल में विश्व नंबर 1 का दावा करने वाली पहली भारतीय सेटलर कौन बनी? तस्नीम मीर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निधन हुआ? मध्य प्रदेश। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? गुजरात। सोलवी क्विंस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया हुआ है? विनीशा उमाशंकर। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? पाकिस्तान। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? केरल। किस राज्य ने नई नर्सिंग नीति मंजूरी दी है? हरियाणा। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? HDFC बैंक। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान वाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी है? रूस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इंदु मल्होत्रा। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम से बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? फिलीपींस। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण के लिए देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी की लिस्ट में कौन से इस पर रही है? नोआमी ओसाका। अमरीकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है कौन बनी है? माया एंजेलो। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? असलान कर्तवेसेव। किस देश ने रेडियो फ्रिक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? भारत। कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSE ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? योग्यता। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटवुड मिला है? वेस्ट इंडीज़। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? सविता पुनिया। कहाँ में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है? सऊदी अरेबिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? चीन। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कर्नाटक। मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? शैलिन फोर्ड। किस राज्य ने देश की पहली न्याय घड़ी लगाई है? गुजरात। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 का खिताब किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पोर्टेलेस। जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता है? अल्बर्ट बोल्ला। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? चीन। कौन ICC T20 वेमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? स्मृति मंथाना। किस देश ने Aero-3 परीक्षण पूरा किया है? इजराइल। किस देश ने नू संतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया? इंडोनेशिया। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? स्कॉटलैंड। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? मॉरीशस। 2021 का
ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? एनजाइटी 2020 का कोरोना वायरस। आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम, पाकिस्तान। सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं? पाकिस्तान। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। जेरी हैमलेट को किस प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? जम्मू कश्मीर। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वीमेन अवार्ड जीता है? सुष्मिता सेन। किस राज्य ने सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने एडॉप्टर एंड एनिमल पहल शुरू की है? गुजरात। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो अबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? जापान। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्रजक्ता कोहली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया है? रतन टाटा। बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? राजस्थान। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? डिजिटल पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, हमारा समय अब है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? भारत। 20वें में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कुंजागल। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग्स रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? मेघालय। किस थीम के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? जनरल बिपिन रावत। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? हरियाणा। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफिन सेंटर मिला है? केरल। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या रखा है? लखनऊ सुपर जॉइंट्स। भ्रष्टाचार धारणा सूचना 2021 में कौन से इस पर रहा डेनमार्क? भारत का स्थान 85। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन प्रशिक्षण किट विकसित किया? CDRI। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन के मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? 29। किसने प्लैटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? जय भीम और मरक्कर। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभियान के रूप में अधिसूचित किया गया है? राजस्थान। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? केरल। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीडू 2022 आयोजित किया? ईरान। टाटा स्काई ने नया नाम क्या रखा है? टाटा प्ले। दक्षिण मोबियांग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? मिजोरम। किस देश ने एयर एशिया में अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? मलेशिया। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? पेरू। किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? ऑस्ट्रेलिया। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस निकोनियो को खोजा है? चीन।
भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम। दुनिया के सबसे बड़ी कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? नीदरलैंड। महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने चीन को हराकर कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? टाटा ग्रुप। कौन सा दिवस मनाया गया है 30 जनवरी को? शहीद दिवस। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? क्रमशः राफेल नडाल और एशले बार्टी। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना। 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। बिग बॉक्स 15 की ट्रॉफी के विजेता तेजस्वी प्रकाश। स्पूतिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? लद्दाख। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? पिया सिचेस। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हासुंग 12 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिर स्मृति खनम का निर्माण किया गया? आंध्र प्रदेश। अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। 3 फरवरी को तौरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश तौरग्या। देश की घोषणा। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत। किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? गुजरात। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे खेल वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंडिया। किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? असम। विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया? पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? UAE। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने 9वां ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन। ICC स्प्रेट ऑफ क्रिकेट अवार्ड्स किसने जीता है? डेरिल मिशेल। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? भारत। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 में? दुर्गाबाई व्याम। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहांग नॉर्वे। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर प्रबंध प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? ISSC बेंगलुरु। हिमालयन से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम किया है? सुपर माउंटेन। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक। COVID-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद शिवपुरी बबई के नाम बदलने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? चीन। उप विजेता है दक्षिण कोरिया। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में
भारतीय दल की अगुवाई की है मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया है आंध्र प्रदेश 8 फरवरी को। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया? आरपीएफ ने। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी। भारत प्रेस सूचनांक स्वतंत्रता 2012 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल उप विजेता मिस्र। कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। किस राज्य की कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक मंजूरी दी गई है? हरियाणा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? इथोपिया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिम्बे पुरस्कार किसने जीता है? नितिन गडकरी। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या है? गुजरात टाइटंस। चक्रवात बसीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर। सेल्स फोर्ब्स डिजिटल ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन से स्पर है? भारत। आरबीआई ने ई रुपी यूपीआई वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1,00,000। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर। ईआईयू लोकतंत्र सूचनांक 2021 में कौन से स्पर रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थान है 46वां। पुरातत्वविदों को किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूके। इस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा शिक्षा के वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम। महासागरों को संरक्षित रखने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस। नासा के पार्कर 16 प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के लिए चित्र लिए हैं? शुक्र। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? डाबर। मरुत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान। पैसा बाजार किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड के पेशकश के लिए समझौता किया? आरबीएल बैंक। सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। नागरिक हवाई अड्डे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसराइल। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्की है। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? खारू टीम। उप विजेता है लालोक टीम। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान को कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता। मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में 16 फरवरी को। ऊर्जा और संसाधन संस्थान 13 द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत।
इसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुशुम योजना शुरू की है लद्दाख। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया WHO। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई? दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन रहे हैं? चन्नीरा बंसी पुनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय संबंधी सुरक्षा सम्यक किसे नियुक्त किया है? जी अशोक कुमार। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? UAE। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA की तकनीक दी जाएगी? 6। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप प्लामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शाकिब उल गनी। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के सत्र की मेज़बानी कौन करेगा? मुंबई। इस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी की नीति का अनावरण किया है? गुजरात। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? JP Morgan बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? संदीप बख्शी। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका। किस राज्य ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योवन पूनावाला। ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? सिरसा। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया? बिल गेट्स। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली। 21 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की। 2022 को वेस्को की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य विश्वविद्यालय कौन बन गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला सातवां देश कौन बना है? केन्या। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? नॉर्वे। दूसरा जर्मनी। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? जम्मू कश्मीर। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया? कृषि मंत्रालय। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी। होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तशुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने
किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। IOC एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एम्मा टेरहो। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? डोनेक्स लुहांस। किस देश के कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने? स्पेन। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना असम। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। IT रुड़की ने कहा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया उत्तराखंड। किस देश ने सी डोम नामक नई वायुसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसराइल। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर अर्गल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? रिचा घोष। भारत सरकार ने कहा जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? सुजेन पुलावर। किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसादा ने देश में आपातकाल की घोषणा की? लिथुआनिया। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला पहले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? R. प्रज्ञानंदा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया? तमिलनाडु। किस देश ने पहले पादप आधारित COVID-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया? कनाडा। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया है? गोवा। इसने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री लेखी। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिक को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन गंगा। प्रतिष्ठित वोल्टेज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? दीपक धर। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रमान ख्याल। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किन दो देशों के बीच धर्म का आयोजन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू है? भारत जापान। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? फ्रांस। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कोरवा वारियर से नाम वापस लिया है? UK। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचनांक में भारत किस स्थान पर? 43वें स्थान है। अमेरिका। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंद्रे रूबले। केंद्र मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक। कौन सा देश चक्रवाती इमानती की चपेट में आया है? मेडागास्कर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।